आज का हमारा वीडियो है HTML का ट्यूटोरियल नंबर 39 और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वीडियो टैग के बारे में। हमने इससे पहले HTML वेब पेज पे मीडिया हम कैसे कनेक्ट करते हैं उसके दो वीडियोस देखे हैं। एक वीडियो में हमने देखा था कि हम इमेज कैसे लगाते हैं और दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि हम ऑडियो कैसे लगाते हैं। तो मैं दोनों वीडियोस के लिंक आपको आई बटन में दे रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये मीडिया का थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है जो कि है वीडियोज़। तो मैं मेरे यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आ जाता हूँ और अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमें अगर कोई वीडियो मर्ज करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है वीडियो का टैग, यहाँ पे है वीडियो। तो देखिए मैंने ये टैग यूज़ कर लिया। अभी इस टैग के अंदर और एक सब टैग आता है जिसके अंदर हम अपने वीडियो का सोर्स लिखते हैं। उस टैग का नाम ही है सोर्स। देखिए सोर्स टैग आता है और सोर्स टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है सोर्स करके। वहाँ पे हम हमारे जो कि MP4 की जो फाइल है या फिर वेब की जो फाइल रहती है मीडिया की, वीडियोस की, वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास मीडिया की कौन सी फाइल है। तो यहाँ पर मैं मीडिया वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। तो हमारे पास ये मीडिया की फाइल है जो कि है बीवी की वाइंस की एंग्री मास्टर जी वाली कोई तो वीडियो है जो मैंने डाउनलोड करके रखी थी। इस वीडियो के लिए स्पेशल कोई वीडियो मैंने डाउनलोड नहीं की थी। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि मेरे वीडियोज़ में कितने वीडियो है और उसमें से एक में ले रहा हूँ तो ये है। तो सबसे पहले हम इसका लोकेशन जो है वो लोकेशन कॉपी करेंगे, इसलिए मैं आ जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में इसके। और प्रॉपर्टीज़ में हमें यहाँ पर लोकेशन दिख जाएगा कि ये फ़ाइल कौन से लोकेशन पे है। तो हम वो पहले सबसे पहले लोकेशन कॉपी कर लेंगे। अगर आप लोकेशन यूज़ नहीं करते तो वो फ़ाइल ही फाउंड नहीं होगी। तो आप फाइल कितना भी नाम डाल लो वो शो नहीं होगा, इसलिए लोकेशन बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। और उसके बाद आप डाल सकते हैं यहाँ पे टाइटल। तो यहाँ पे मैंने टाइटल भी डाल दिया है, लेकिन आपको टाइप मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके वीडियो का जो टाइप है वीडियो है। ओके वीडियो है, लेकिन वीडियो का भी टाइप होता है। MP4 आता है, MOV आता है, फिर बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं। और तो हमें वो डिफ़ाइन करना है कि सबसे पहले हमारा टाइप कौन सा है। तो हमारा टाइप है वीडियो और वीडियो के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं MP4। तो यहाँ पे मैंने OV डिक्लेयर कर दिया। अभी जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और हम हमारे ब्राउज़र में आ जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक पूरी ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है कि वीडियो टैग हमने यूज़ कर लिया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी आते हैं जो आपकी वीडियो को आप शो कैसे, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर मैटर करते हैं। तो सबसे पहले वो हम देख लेते हैं कि कौन से टैग हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए फुल स्क्रीन में शो हो गई थी, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक एरिया देना है उसे। तो सबसे पहले वाले बेसिक जो एट्रीब्यूट आते हैं वो हाइट एंड विड्थ के आते हैं। तो हम हाइट इसकी कर देते हैं 600 पिक्सल, और हाइट के बाद जो एट्रीब्यूट आता है वो आता है विड्थ वाला। तो विड्थ हम कर देंगे 900 पिक्सल की। तो हमने हाइट सेट कर ली 600 पिक्सल की और विड्थ कर ली 900 पिक्सल की। और इसके बाद एक सबसे ज़्यादा मेन एट्रीब्यूट जो आता है वो आता है कंट्रोल्स वाला। देखिए कंट्रोल्स एट्रीब्यूट जब तक आप ये यूज़ नहीं करते तब तक आपकी वीडियो ही डिस्प्ले नहीं होगी। और अगर आपकी वीडियो डिस्प्ले नहीं हुई तो आप लोकेशन डालो या फिर उसका फाइल का फॉर्मेट डालो कि कौन से फॉर्मेट में हो, फाइल का नेम डालो, कुछ फ़ायदा नहीं जब तक आप ये कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर लेते। ये कंट्रोल नाम का एट्रीब्यूट जो है वो सारे कंट्रोल्स डिस्प्ले करने में हेल्प करता है हमारे ब्राउज़र में। अगर कंट्रोल्स मतलब क्या कि प्ले और पॉज का बटन या फिर वॉल्यूम अप वॉल्यूम कम ज़्यादा करने वाला बटन या म्यूट करने वाला, ये सारे जो है वो कंट्रोल्स के अंडर आते। तो जब तक हम ये यूज़ नहीं कर लेते तब तक कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो का डिस्प्ले होके भी। तो ये मैं अभी सेव कर रहा हूँ और जैसे मैं ब्राउज़र में आके इसको अभी रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए अब ये वीडियो शो हो रहा है और एक हमने जो जितनी स्क्रीन साइज़ ली थी उतना ही ये अभी ले रहा है। तो देखिए मैं इसको प्ले। वार्निंग, द फॉलोइंग एपिसोड इन्वॉल्व्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड विजुअल्स क्योंकि इफ थोड़ा आगे जाके दिखा। असली कॉफ़ी तो वो होती है जो शादियों पर मिलती है, वो मशीन में से आवाज़ नहीं देखी कैसे निकलती है। आए हाय हाय, और ऊपर से वो जो कॉफी पाउडर छिड़कता है इतनी गर्म होती है कि अगले 4 दिन तक मुंह में भुट्टे सिक जाएं। आज दलगोना है, कल हक दोना ट्रेंड आ जाएगा। मैंने 2 लैंडे गिराए, अब मैं नॉमिनेट करूंगा 3 लोगों को जो और 2 लैंडे गिराए। ये सारे
ये तीन तो एट्रीब्यूट हमने बेसिक देख लिए, लेकिन इसके अलावा भी एट्रीब्यूट्स आते हैं, अभी हम उनकी तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक नॉर्मल वीडियो जितना हमारा रिक्वायरमेंट थी उतना तो शो हो गया, लेकिन अभी और आगे कस्टमाइज कर क्या कर सकते हैं हम वो देखेंगे हम। देखिए आपके पास एक वीडियो है का वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट आता है जो कि है म्यूट का, तो ये म्यूट वाला एट्रीब्यूट भी हम यूज़ करते तो अभी आवाज़ नहीं आएगी। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पहले से ही लिख के आ गया कि ये लैंग्वेज एंड विजुअल्स, क्योंकि इसमें मैं हूँ। अभी ये म्यूट वाला बता रहा हूँ, तो तुम बाद में बोलोगे होके आता है, बाद में कोई अगर किसी को चाहिए तो फिर वो अनम्यूट करके सुन सकता है, लेकिन ज़्यादातर वेबसाइट्स में यही यूज़ होता है, ताकि बार बार आप जब वेबसाइट को रिफ्रेश करते हो तो बार बार वो ऑडियो आता है, तो फिर इरिटेट होता है, इसलिए ये एट्रीब्यूट वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो सोर्स वाला तो हमने देख लिया, और इसके अलावा एक एट्रीब्यूट आता है कि हम जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो हम वीडियो अपलोड करने के बाद वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाते हैं, थंबनेल ओके, तो वैसा ही थंबनेल आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, जैसे कि हम एक लगा के देखते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास एट्रीब्यूट उसका नाम है पोस्टर, और पोस्टर के अंदर आपको वो जो इमेज आप शो करना चाहते हो उस इमेज का एड्रेस और नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे मेरे इमेज वाले फोल्डर में आ जाता हूँ, और एक मैं मेरे ट्यूटोरियल के जो थंबनेल है उसका एक थंबनेल सिलेक्ट कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ मैं इसके, और ये पूरा एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैंने एड्रेस तो कॉपी कर लिया, अभी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और फिर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो कि इमेज का नेम है वो हमें यहाँ पे। तो ये सब सेटअप हो गया, अभी मैं जैसे इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश में करता हूँ, तो देखिए जब तक मैं वीडियो प्ले नहीं करूँगा तब तक मुझे ये थंबनेल दिखाएंगे, और जैसे मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो वीडियो चालू हो गया, लेकिन जैसे ही मैं वापस इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए वापस से एक बार थंबनेल शो हो गया। तो इसको यूट्यूब के लैंग्वेज में थंबनेल बोलते हैं, और इसका जो एट्रीब्यूट हम HTML में यूज़ करते हैं उसका नाम पोस्टर है, तो आपको ये याद रखना है कि दोनों एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो अभी ये पोस्टर एट्रीब्यूट हमने देख लिया, अभी ये मैं पोस्टर निकाल देता हूँ, इसका मतलब थंबनेल निकाल देता हूँ, इसके बाद हम ऑटो प्ले जो है वो एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने वाले। तो ऑटो प्ले में होता क्या है कि आप जैसे ही वेबसाइट को रिफ्रेश करते तो हमें इससे पहले वो वीडियो पॉज करके आ रहा था या फिर सिर्फ थंबनेल शो हो रहा था, अभी मैं ऑटो प्ले लिख के अगर ये मैंने सेव कर दिया और वापस मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो अपने आप वीडियो प्ले हो जाएगा, मुझे प्ले बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ऑटो प्ले यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए मैंने ऑटो प्ले लिख दिया, और जैसे इसको मैं सेव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश मैंने कर दिया, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो एपिसोड चालू हो गया, देखिए काउंटिंग चालू है यहाँ पे, और मैंने प्ले बटन तो दबाया ही नहीं है। देखिए वापस से एक बार रिफ्रेश करता हूँ और वापस से चालू हो गया। अभी देख मैं सिर्फ जो हमारी F5 की होती है जो रिफ्रेश के लिए हम यूज़ करते हैं, मैं उस की से भी रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे वापस से रिफ्रेश हो गया और ऑटो प्ले होने लगा, मतलब हमें प्ले करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। तो ये था ऑटो प्ले एट्रीब्यूट, और इसके बाद हम लूप एट्रीब्यूट जो आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लूप एट्रीब्यूट क्या होता है हम उसकी बात करते हैं, कि अगर आपका वीडियो हमने ऑटो प्ले तो कर दिया, मतलब वीडियो जो अब हम रिफ्रेश करेंगे तब चालू तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लूप एट्रीब्यूट क्या करता है, आपका वीडियो जब ख़त्म होता है तो वापस से उसको रिस्टार्ट कर देता है, रिप्ले कर देता है, तो यह लूप चलता रहता है, इसलिए उसका नाम लूप रखा है। जैसे मैं देखिए यहाँ के इसके अंदर लूप में यूज़ कर रहा हूँ एट्रीब्यूट, और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आते हैं हम साइट को रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर दिया और इसको प्ले कर दिया मैंने, अब हम लास्ट तक उसको छोड़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लास्ट में मैंने छोड़ दिया तो वापस से प्ले होने लगा, मैंने प्ले बटन दबाया भी नहीं लेकिन वो रिस्टार्ट हो गया, रिप्ले हो गया। तो ये लूप एट्रीब्यूट का काम है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि वीडियो हम हमारे HTML में कैसे वीडियो टैग को यूज़ करते हैं, या फिर हमारे वेब पेज के ऊपर वीडियो हम कैसे लगा सकते हैं, और वीडियो के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो थे अलग अलग, वो सारे एट्रीब्यूट्स हमने आज इस वीडियो में कवर कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो जल्दी से कर दो। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे।